नमस्कार माय होम्योपैथिक डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आनंद देसाई है। मैं एमडी होम्योपैथ हूँ और मैं लास्ट 16 साल से हिम्मतनगर में गुजरात में होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ में मेहसाणा एजी सावला होम्योपैथिक कॉलेज, ये गुजरात में है, वहाँ पे मैं ऑर्गेनॉन में प्रोफेसर हूँ और पढ़ाना मेरा शौक है। मैं बच्चों को होम्योपैथी कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए और कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सभी मैं लेक्चर्स में मेरे स्टूडेंट्स को सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी जो सब्जेक्ट है वो उसको हम साइंस और आर्ट ये दोनों बोलते हैं। तो साइंस यानी क्या, तो साइंस यानी कि नॉलेज, कि जो हम नॉलेज लेते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो दिस इज अ साइंस। एंड आर्ट, सो आर्ट मीन्स द स्किल, सो स्किल दैट वी हैव टू प्रैक्टिस। ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न होम्योपैथी, अगर होम्योपैथी हमको सीखना है तो हमको साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए और आर्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये होम्योपैथी में आर्ट क्या होती है, तो आर्ट जिसको हम बोलता है कि सीखना, आर्ट जिसको हम बोलते हैं सीखना। तो सीखना यानी क्या, तो जैसे हमको कोई भी चीज सीखना होता है, जैसे कोई भी लड़की है उसको खाना पकाना सीखना है तो वो मम्मी को बताए कि मम्मी मेरे को ये रोटी पकानी है तो मैं कैसे पकाऊ, तो जैसे उसने रोटी पकाना चालू कर दिया तो शुरुआत से उसकी जो रोटी है वो एकदम गोल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो वो अपनी मम्मा को बोलेगी कि मम्मा मेरी रोटी तेरे जैसी क्यों नहीं आती है, तो मम्मा बोलेगी बेटा मैं तो बहुत साल से बनाती हूँ लेकिन अब तो अभी शुरुआत है आपकी, इसलिए आपकी ये रोटी है वो गोल नहीं आएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिस, तो जो भी जितना प्रैक्टिस जो भी विषय में हम करते हैं उसका ज्ञान उसका अनुभव उतना मिलता है और हम उसको अच्छी तरह से कर पाते हैं। जैसे वही लड़की एक दो साल के बाद रोटी बनाती है तो एकदम अच्छे से रोटी बनाएगी। जैसे रोटी बनाते टाइम किसी का फोन आता है तो ऐसे फोन करके हाय हेलो कैसे हो ऐसे करके वो फोन भी करेगी, साथ में रोटी भी पकाएगी, उसको तवी पर भी रखेगी और उसको अच्छे से कुक करेगी। और 3-4 साल बाद क्या होगा, वो रोटी भी पकाती है, यहाँ पे सब्जी भी रखी है, यहाँ चावल भी है, यहाँ पे दाल भी है। तो ये क्या है, तो जिसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, होम्योपैथी सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, जितना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हो आप उतना ही अच्छा कर पाते हो। जैसे सपोज हमको, जैसे वो गुजरात में नवरात्रि बोलते हैं जो गरबा की सीजन है, तो जब हम गरबा गाते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, जैसे हमारा स्टेप ऐसे ही फटाक करके नहीं आता है तो उसमें क्या होगा, हम किसी टीचर के पास जाएंगे तो टीचर क्या करेंगे, टीचर अपने को स्टेप सिखाएंगे, चलो पहले ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसे ताली करो। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बेसिक्स ऑफ गरबा, ये जो गरबा खेलते हैं उसका बेसिक है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्टेप हम ले पाएंगे और एक समय एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बहुत अच्छे तरीके से ऐसे गरबा गाते हैं ना वैसे करके हम अपने ही फ्लो में गाएंगे, जिसको हम नेचुरल फ्लो बोलते हैं, वो नेचुरल फ्लो में हम गाना गाएंगे। और जैसे हम बोलते हैं कि किसी को वो कथक है यानी शास्त्रीय संगीत जो नृत्य है, अगर किसी को उसका हॉबी है तो वो अगर करना है तो उसके लिए भी उसको गुरु के पास जाना पड़ता है, वो गुरु के पास जाएंगे, जैसे गुरु की प्रैक्टिस है जैसे वो गुरु को देखते हैं वैसा करना है तो जैसे गुरु बोलते हैं वैसा करने का रहता है। जैसे जैसे गुरु गाइड करते हैं वैसे वैसे वो मेहनत करते हैं, वैसे वैसे स्टेप्स लेते हैं और जहां पर भी उनको पसंद नहीं आता है, जहां पे उनको प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम गुरु सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये प्रैक्टिस हुआ। तो वैसे ही ये जो होम्योपैथी है वो भी एक प्रैक्टिस का विषय है। प्रैक्टिस यानी क्या, आर्ट, स्किल, यानी जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनॉन के जिसके अंदर लिखा है कि फिजिशियन है जो उसका जो सेंसेस है वो साउंड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए ताकि हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और जो पेशेंट बोलता है उसको हम अच्छे से समझ सके और जो समझते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्वेश्चन पूछ सके। जैसे कोई नया स्टूडेंट हमारे पास आता है, सर आप जब पेशेंट को पूछते हो तो पेशेंट आपको आंसर देता है और धीरे धीरे सब हिस्ट्री बताते हैं, और जब हम पूछते हैं तो पेशेंट थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं फिर रुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी टीचर्स प्रैक्टिस करते हैं उनको प्रैक्टिस का जो अनुभव है, वो जो प्रैक्टिस का उनका जो जो साधना है, जो संघर्ष है, जो ड्यूरेशन है, वो स्टूडेंट से ज्यादा है। क्यों, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। तो ऐसे हमको अच्छे से होम्योपैथिक करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमको एक गुरु की जरूरत रहेगी रहेगी रहेगी। तो मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ स्वरा
होम्यो गुरुकुल में कि जहाँ पे डॉक्टर शेखर अलगुंडी सर है वो हमको होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसे करना है और ये प्रैक्टिस अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, हमको क्या करना पड़ता है, हम कैसे बात करते हैं पेशेंट के साथ और जो भी बात करते हैं उसमें हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी वजह से हम पेशेंट को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी हमको सीखना है उसके लिए गुरु की जरूरत रहेगी और गुरु हमको गाइड करते हैं, हम जहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हमारा प्रॉब्लम गुरु सॉल्व करते हैं। तो ये एक स्वरा होम्यो गुरुकुल बहुत अच्छी जगह है कि जहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी डॉक्टर है जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं और वो प्रॉब्लम्स को लेके अटक जाते हैं तो वहाँ से आगे कैसे जाना है और कैसे एकदम अच्छी तरीके से, कैसे एकदम नेचुरल स्मूथ फ्लो में पेशेंट के साथ बात करके धीरे 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 हम डीपर लेवल तक जाते हैं और उसके लिए अच्छे से हम दवाई ढूंढ पाते हैं। तो ये जब सब जो सब बेसिक जो है होम्योपैथी का वो यहाँ पे हमारे गुरुजी यानी कि शेखर अलगुंडी सर और उनकी जो टीम है, जो प्रियंका मैडम है, जो दिव्या मैडम है, जो ये जो किरुबाशिनी जी है, तो ये पूरी सर की जो टीम है वो हमको सभी जगह पे गाइड करते हैं कि आपको कैसे करना है, आप यहाँ पे आपने ये मिस्टेक किया, यहाँ से आप ये इम्प्रूव कर सकते हो और यहाँ पे इम्प्रूव करने के बाद ये ऐसा पूछ सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बिगिनर्स है और जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स है जो बहुत साल से होम्योपैथिक वर्ल्ड में सभी पेशेंट की जो सेवा कर रहे हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो सभी डॉक्टर्स मित्रों को, रिस्पेक्टेड टीचर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छा होम्योपैथ बनाना चाहते हो और आपकी जो बिजी प्रैक्टिस है उसमें आप इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि आप बच्चे को अच्छा लर्न करा सके, अच्छा टीच करा सके, तो प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्वरा होम्यो गुरुकुल में उनको भेजिए और भेजने के बाद आप उनका फीडबैक लीजिए कि वहाँ जाने के बाद आपको क्या अच्छा लगा, तो वो ही आपको बताएंगे कि रियली अंकल पापा या मम्मा आपने मेरे को वहां पे भेजा लेकिन मेरा जो ड्रीम था कि मेरे को अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है, तो वो जो आपका ड्रीम है वो यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। सो मैं सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे कलीग हैं, रिस्पेक्टेड टीचर है, मैं सबको यही मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ की आप पहले एक बार विजिट लो, आप यहाँ पे आके फील करो कि यहाँ पे कैसे टीच करते हैं, यहाँ पे सर कैसे पढ़ाते हैं, आप अपने को बच्चे को यहाँ पे भेजो, आपके जो भी रिश्तेदार जो भी स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको यहाँ पे भेजो, आप फीडबैक लो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस करने का जो तरीका सिखाते हैं वो जो दूसरी जगह पे सिखाते हैं उससे बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे एकदम नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे वो सिखाते हैं और जो सिखाते हैं वो भी एकदम एंजॉयमेंट के साथ सिखाते हैं। हाँ चलो उसमें सर क्या करते हैं, एक तो बहुत बढ़िया मैं आपको बताना चाहूँगा, सर क्या करते हैं हमको एक केस देंगे, वो केस के अंदर क्वेश्चन हमको क्या पूछना है उसका भी प्रैक्टिस कराते हैं। जो स्टूडेंट है तो जैसे हम जो सीनियर डॉक्टर है वो जब केस लेते हैं तो वो कई थिंग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं जो स्टूडेंट ऑब्जर्व नहीं करते, तो ये ऑब्जर्व ही कैसे करना है, हमारी जो भी सेंसेस है उसको कैसे एक्टिव करना है, कैसे अलर्ट करना है, देखना भी है, लिखना भी है, पूछना भी है, तो ये जो अलग अलग तरीका है वो जो तरीका उसको अच्छे से कैसे अप्लाई करना है तो वो सभी यहाँ पे सिखाया जाता है। तो मैं फिर से सभी मेरे जो भी सीनियर डॉक्टर्स हैं जो भी बहुत साल से प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथिक में सभी पेशेंट की जो सेवा करते हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस जो स्वरा गुरुकुल होम्यो है यहाँ पे एक विजिट लो और अपने जो भी रिश्तेदार है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी न्यू कमर्स है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको यहाँ पे आप भेजिए। ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम कोई स्टूडेंट को अच्छा रास्ता दिखा सके और उसका ड्रीम फुलफिल करने में हम उसको हेल्प कर सके। ओके, मैं यही कहना चाहूँगा सभी मेरे सीनियर टीचर्स को, मेरे कलीग के, मेरे स्टूडेंट मित्रों को, सभी को मेरा नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।